पंडित जी, क्या नाम है आपका? जी सीताराम नाम है। सीताराम जी, होली आने वाली है, क्या कुछ मान्यताएं हैं और कैसे विधि विधान से होली का त्यौहार मनाया जा सकता है? जी, सबसे पहले आते हैं हम, होली क्यों मनाई जाती है। होली भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान के बड़े भक्त थे और उनके पिताजी अपने आप को भगवान मानते थे और क्षेत्र में भी अपने आप को पुजवाने के लिए सभी से कहते थे कि मैं ही आपका भगवान हूँ। लेकिन उसके पुत्र ने अपने पिता की बात नहीं मानते हुए भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बड़े भक्त हुए। भगवान विष्णु के बड़े भक्त हुए और अपने पिता की बात नहीं मानी तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर के उसको मारने की योजना बना ली। एक दिन होलिका जलती हुई चिता में अपने भतीजे को लेकर बैठ गई। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि में नहीं जलेगी, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था। लेकिन भगवान की इच्छा से, भगवान की माया से होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, इसीलिए हम तब से होली मनाते हैं। जी, कैसे मनाते हैं? अपने अपने लोकाचार के अनुसार हमारी माताएं व्रत रखती हैं। जब तक होली का पूजन नहीं कर लें, जब तक व्रत रखती हैं और जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। होली का पूजन करती हैं, अपने घर से एक लोटे में जल, आटा, हल्दी, मीठा और धान की बालियां, गेहूं की बालियां ले जाते हैं, जौ की बालियां ले जाते हैं, कलावा ले जा करके और कच्चा सूत होलिका के चारों तरफ तीन परिक्रमा लगा करके कच्चा सूत लपेटती हैं। तीन परिक्रमा करती हैं, सात परिक्रमा करती हैं, अपनी इच्छाओं से, अपनी मनोकामना के अनुसार करती हैं। क्या कुछ शुभ मुहूर्त हैं इसके? जी, शुभ मुहूर्त होली का हर वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णमासी तिथि को आता है। अब इसमें शुभ मुहूर्त ये है, सुबह 11 बजे से होली का पूजन शुरू होने वाला है। लेकिन होली का दहन अब की बार रात्रि को 11:17 से लेकर के 12:27 तक चलेगा और 24 मार्च को होली का मनाई जा रही है।